मैं तो इलेवेंथ थे, नाइन्थ टेंथ से ही ऑनलाइन फील्ड के अंदर घुस गया था क्योंकि जॉब मेरा वैसे भी नहीं था कि जॉब वगैरह करना है स्टार्टिंग से ही नहीं था और अभी मैं अर्निंग भी कर रहा हूँ लगभग एक दो लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली मंथली बन जाते हैं ऐसा क्या कर रहे हो सर डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं मुझे भी साथ लगा लो तो <laughs> असिस्टेंट चाहिए आपको मैं सोचता हूँ सर कुछ ना कुछ आज के डेट में बहुत सारे ऐसे डोमेन्स हैं जिसके माध्यम से आराम से आप चाहो तो एक दो लाख रुपये आराम से कमा सकते हो लेकिन उसकी तरफ सर कोई ध्यान ही नहीं देता उसकी तरफ सब उस सोचते हैं फ्रॉड है स्कैम है वगेरा, वगेरा। है वगैरह वगैरह ठीक लेकिन उसके तरफ ध्यान दोगे तो जॉब से ज्यादा वहां पे अपॉर्चुनिटी है तो बेसिकली आज मैं चाहता हूं, आप इस टॉपिक के ऊपर बात करें कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जो लोग सीख करके कर सकते हैं कोई भी आपके पास स्किल है उसको प्रमोट करके आप पैसा कमा सकते हो तो क्यों लोग इतने सारे जॉब के पीछे पड़े हुए हैं मेरी चीज समझ में नहीं आता क्यों एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं आप में से कितने हैं जो अभी किसी ना किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं ऑलमोस्ट सब लोग आप किसी ना किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है इनका ये कहना है कि मार्केट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं तो फिर आप एक इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्यों एंटर कर रहे हो जहां पर के पहले तो एंट्रेंस को क्रैक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल उसके बाद में अच्छी जगह पर जॉब मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल उसके बाद में उस जॉब को रिटेन करना भी आने वाले टाइम में और मुश्किल होने वाला है वाई आर यू डूइंग दैट आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो

क्योंकि लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं उसमें से कुछ का होता है ये बात हमको पता है तो फिर क्यों इस बात को आप चुनते हो जब यहां पे रिस्क भी है और कोई श्योरिटी भी नहीं है तो क्यों इस बात को चुनते हो क्यों कुछ और एक्सप्लोर नहीं करते हो सर पैसे की बात करेंगे रिस्क की बात करेंगे तो जितना बिजनेस नॉर्मली स्टार्ट किया जाता है उससे कई गुना ज्यादा पढ़ाई में लग जाता है कितना लग जाता होगा आप में से कोई बताएगा जो लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं नियर अबाउट कितना पैसा लग जाता है कोचिंग की फीस छह सात लाख होती है सर कोचिंग की फीस सात लाख होती है जी सर, जी सर, ले ले नहीं, नहीं, थोड़ी होती है। सर सर फिर मुझे आइडिया नहीं है साल की। तो मतलब, छह लाख तो लगाने के बाद में होने की क्या पॉसिबिलिटी और नहीं होने की क्या पॉसिबिलिटी है नाइन्टी नाइन परसेंट है की तो नहीं होगा सर नाइनटी नाइन परसेंट है कि नहीं होगा तो रिस्क तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर बॉस ये तो बहुत ज्यादा है सब एग्री कर रहे हैं इनसे कि 99% है या अगर ऑप्टिमिस्टिकली भी देखा जाए तो 90% है कि नहीं होगा 10% है कि हो जाएगा अगर हम सिर्फ उन्हीं की बात करें जो बच्चे सीरियस हैं क्योंकि जरूरी नहीं है हर बच्चा जो कोचिंग ले रहा है वो सीरियस भी हो पढ़ाई को लेकर के तो मैं कह रहा हूं वो बच्चे जो ब्रिलियंट है एफर्ट भी पूरा कर रहे हैं और डिजर्व भी करते हैं तब भी जो पॉसिबिलिटी है आपके सिलेक्शन होने की अच्छी जगह पर वो टेन है नाइनटी है कि नहीं होगा और जब नहीं होगा तो क्या होगा वॉट इज योर बैकअप प्लान प्राइवेट कॉलेज से तो वहां भी पैसा लगेगा या वहां फ्री में पढ़ाई है लगेगा कितना इंजीनियरिंग की भी बात करी जाए तो बीस लाख रुपए तो मान के ही चलो तो नियर अबाउट आपने बीस 25 लाख रुपए तो लगा दिया अपने घर वालों का एंड आई एम आप कोई बहुत अमीर बैकग्राउंड से नहीं हो मेजोरिटी ऑफ यू आप में से कितने जो मिडिल क्लास से हैं हाथ ऊपर करिए मेरा मिडिल क्लास वाला सेशन देखा है आप yes लोगों सर, ने यस सर आपने अगर वो देखा होता तो अभी हाथ ऊपर नहीं करते मिडिल क्लास मतलब अगर मैं सिंपल वे में पूछूं तो आप में से कितने हैं जिनकी जो हाउस होल्ड इनकम है वो साल की बारह लाख से ज्यादा है अब हाथ ऊपर करो इसको मैं दूसरी तरीके से पूछता हूं आप में से कितने हैं जिनके घर वालों के पास में बीस तीस लाख रुपए स्पेयर है मतलब अकाउंट में पड़ा हुआ है अगर वो चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है हाथ ऊपर करो इसका मतलब आपको या तो लोन लेना पड़ेगा या फिर आपके घर वालों को लोन लेना पड़ेगा ऐसे बहुत सारी रिसर्चेस हुई है जहां पर आया है कि 50 से 60 परसेंट जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस से इंजीनियर्स निकलते हैं दे आर अनुप्लॉयबल मतलब उनकी इतनी स्किल ही नहीं होती कि उनको एम्प्लॉय किया जा सके यानी कि उनको वो काम मिल ही नहीं सकता जिस फील्ड से उन्होंने पढ़ाई करी है या तो उनको अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ेगी या अपने आप को डाउनग्रेड करना पड़ेगा तो पच्चीस लाख की जो आपने इन्वेस्टमेंट करी उसको रिकवर करने में कितने साल लगेंगे पच्चीस लाख रुपए रिकवर करने के लिए पच्चीस लाख रुपए जोड़ना पड़ेगा।, yes, जोड़ पड़ेगा. हम <laughs> <laughs> मान करके चलते इन सिनेरियो आपको बीस साल लगेंगे पच्चीस लाख रुपए का जो लोन है उसको चुकाने के लिए या अपने घर वालों को वापिस करने के लिए मतलब चालीस की एज तक जाकर के तो आप वो पैसा वापिस करोगे तो रिस्क मेरे हिसाब से कम तो नहीं है और ये सिनारियो है कि अगर आपकी जॉब लग गई तो अनएलॉयमेंट रेट भी कम नहीं है हमारी कंट्री में ये भी हो सकता है कि जॉब ना लगे तो क्या करोगे अ सिंपल जेन्युइन क्वेश्चन पच्चीस तीस लाख देने के लिए भी पेरेंट्स ही मोटिवेट करता है उनकी ही जिद होती है कि हमें ये करना चाहिए वही कहते हैं कि यूपीएससी निकालो वही कहते हैं नीट निकालो वही आईआईटी जाओ यहाँ जाओ वहां जाओ उनकी ही जिद होती है और सोसाइटी की और रिलेटिव्स की जिद होती है कि हम जाएंगे तो वो हम ही है करोड़ों में से एक <laughs> तो इट्स लाइक हमारी विश तब भी नहीं होती है ये और ज्यादा गड़बड़ हो गई है क्यों क्योंकि अगर एक बार को ये होता कि आपके अंदर से होता कि मुझे ये क्रैक करना है फिर आप किसी एंट्रेंस के लिए जाते तैयारी करने के लिए तो फिर भी पॉसिबिलिटी होती जिसकी मैं बात कर रहा हूं लेकिन आपके पेरेंट्स ने फोर्स करके या आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके आपको भेज दिया है अब पॉसिबिलिटी क्या है आपके क्रैक करने की अब तो आपका मन ही नहीं है वो काम करने का करना पड़ रहा है एक है कि आप खुद अपने अंदर से मोटिवेटेड हो बाहर से किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं है तब फिर भी होने की पॉसिबिलिटी है बशर्ते कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी भी हो उसको क्रैक करने की लेकिन अगर आपका खुद का ही मन नहीं है लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर है सोसाइटी का प्रेशर है उसकी वजह से आप जा रहे हो तो वहां जाकर के क्या करोगे बहाने ढूंढोगे क्लास बंक करने के टाइम पास करने के तरीके ढूंढोगे रात को बैठ करके वीडियो गेम्स खेलोगे या क्या करोगे वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है डिटेल में आपकी हंसी से पता लग रहा है घर वालों को तो ये लगता है कि मेरा बच्चा तो पता नहीं क्या कर जाएगा अगला सुंदर पिचाई यही है हमारे घर में ही पैदा हुआ है लेकिन आपको तो पता है ना अंदर से आप क्या हो तो इसका मतलब क्या है वो पैसा पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है बड़ा नुकसान किसका है, क्यों? क्यों है? जवाब दो सर हमारे लिए बट हमारा जो टाइम चला गया वो टाइम अब नहीं आने वाला तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा दैट इज वन टू फिर एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब जा करके आपको कोई भी जॉब होगी कैसी भी जॉब होगी लेनी पड़ जाएगी करनी पड़ेगी इतना प्रेशर आ जाएगा पीछे से तो नुकसान अल्टीमेटली किसका हुआ पूरी लाइफ के ऊपर तो तो yes, तो क्या, तो तो क्या असर आने वाला है और जॉब मार्केट पे क्या असर आने वाला है उसके बारे में तो मैंने बात ही नहीं करी है सर इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है मुझे जो लगता है हर जगह आपको ट्राई करना चाहिए जैसे मैं खुद बताऊँ तो मैं टेन इयर्स जब था दस साल का मैं यूट्यूब ट्राई किया फिर मैं गेमिंग में एंटर किया फिर मैंने ई स्पोर्ट्स भी खेला फिर मैं एक सर प्रोफेशनल लेवल अंडर क्रिकेट करियर भी चूज किया था मैंने वहाँ पर सर ड्यू टू फिजिकल इश्यूज़ इशू पर मैं नहीं कर पाया बाकी सर अब मैं आया हूँ इस डिजिटल मार्केटिंग के एरा में यहाँ पर सर तीन चार सोर्सेज ऑफ इनकम ऑलरेडी मैंने बिल्ड कर लिया है जिससे कि मेनली मेरा फिफ्टी टू वन लाख रुपीज महीने का जनरेट होता है अभी आपकी एज कितनी है फिफ्टीन पॉइंट फाइव ऑलमोस्ट लाइक सोलह साल ये सर तो आपके घर वाले खुश हैं बिल्कुल खुश होंगे सर सोलह साल का लड़का घर में सर एक लाख रुपए अगर महीने का दे रहा है तो खुश तो होंगे लेकिन मेरा सजेशन आपको ये है प्लीज डोंट माइंड इट कि okay, अभी ये जो क्विक आपको सक्सेस मिली है ना इसको दिमाग पे मत चढ़ने देना नहीं नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी ये मत समझने लग जाना कि मैं पचास हजार रूपये लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं क्योंकि तो ये कोई फिक्स नहीं है आज आप कमा रहे हो कल कम भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है तो ऑलवेज कीप योर फीट ऑन ग्राउंड एंड बी प्रिपेयर फॉर ऑल ऑफ जो आप कर रहे हो वो सही है सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है जैसे कि अभी मैंने टारगेट लिया कि मुझे मंथली का वन लैक करना है तो वो मैंने एक बार दो बार टारगेट को अचीव कर लिया बट सर जब मैं नेक्स्ट अब टारगेट को अपना बड़ा करता हूँ जब उसको इंक्रीज करता हूँ थोड़ा सा तो सर वो कम्फर्ट जोन वाली फीलिंग आने लगती है मन में ये होता है कि अरे पहले भी तो किया है अब भी कर लेंगे तो उस चीज को मैं कैसे टैकल कर सकता हूँ सर आप कुछ ज्यादा ही अलग लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हो यहाँ पे बाकी लोग उल्टी कर देंगे उनके मुंह से झाग निकलने लग जाएगा क्या बोल रहे हो आप ये बेचारे अभी अपना पता नहीं कितने साल कितनी तैयारी करने वाले हैं उसके बाद जाकर के कोई पैकेज लगने वाला है और आप कह रहे हो कि सर लाख रुपए में मैं कंफर्ट जोन में चला जाता हूं सर। <laughs> सर, रास्ता बताओ कि मैं ना दो लाख रुपए अचीव कर जाओ <laughs> बस भाई बस इतना लालच नहीं करते बहुत है अभी इस एज के हिसाब से आगे जैसे जैसे एज बढ़ेगी अपने आप ही रास्ते खुलेंगे प्लीज हैव अ सीट बट ये बात मेरी हमेशा याद रखना ये जो टेम्पररी सक्सेस है इसको दिमाग पे मत चढ़ने देना गड़बड़ हो जाएगी Sure, तो एक सोल्यूशन हमको दिखा यहाँ पर अब ये सोल्यूशन कितना जेन्युन है कितना नहीं है आई कांट कमेंट ऑन दैट क्योंकि मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में कितना कमा रहे हैं कितना नहीं कमा रहे बट मैं ये कह सकता हूं विद कॉन्फिडेंस एंड विद माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड ये पॉसिबल तो है इनके साथ ये हो रहा है नहीं हो रहा है आई एम नॉट श्योर बट ये पॉसिबल तो है मैं ये कहना चाहती हूँ जैसे इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग या नेटवर्क के बारे में जो भी बताया ठीक है कई बार ऐसा होता है कि हम भी ट्राई करना चाहते हैं कि चलो हम भी चलते इतना अच्छा पैसा है जाते हैं वो कुछ पैसे लेते हैं हमसे वही एक दो हजार कि हाँ हम आपको सिखाएंगे ये करेंगे वो फिर हमें वो तीन चार दिन की ट्रेनिंग देते हैं और उसमें ना कई लोगों को नहीं पता चलता बट वो ना पूरे माइंड को हमारे इधर से उधर कर देते हैं हमें बहुत सारा पैसा दिखाते हैं कि इतना पैसा इतना पैसा है क्या करोगे बताओ बंगला खरीदोगे क्या खरीदोगे जबकि खुद उनके पास कुछ नहीं होता है ज़्यादा से ज्यादा एक मोटरसाइकिल होती है बस उसमें ही वो भी के पैसों से खरीदी होती है हाँ और कहते हैं कि देखो मैंने ये टारगेट बनाया मैंने ये अचीव करा आप क्यों नहीं कर सकते हो बस एक साल दे के देखो ये करके देखो ऐसे करते हैं और एक बार जब इंसान इस चीज में जाता है तो फिर उसको तो फ्रॉड ही लगता है सब चीज़ की हाँ फ्रॉड है आपने कभी ऐसा ट्राई किया हाँ मैंने किया है आपने कितने पैसे दिए थे मैंने दिए थे पाँच सौ रुपए उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग होगी सब वापस हो जाएगा अगर ये सब हुआ तो मैंने कहा चलो सही है कौन सा ज्यादा ही लग रहे हैं फिर उन्होंने फोर्थ डे बताया कि आपको पचास हज़ार की शॉपिंग करनी है फिर आप एक लेवल पे आओगे उसके बाद आपको लोगों को पकड़ने अब लोग कहाँ से पकड़े वो भी सिखा रहे हैं कि अपने दोस्तों को कॉन्टैक्ट करो इंस्टाग्राम पर लोगों को मैसेज करो मैंने कहा लोगों को तो मैसेज करेंगे अब कौन कैसा हमें क्या पता फिर कहेंगे आप ऑटो से जाते हो वहाँ पे हाय हेलो करो उनसे रिलेशन बनाओ और उनको उसमें घुसाओ ये जो इस तरह के कोर्सेज कराते हैं डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग ऑनलाइन या, तो या नहीं कमाया जा सकता है। चैलेंज ये है कि कौन है और फ्रॉड कौन है हाँ। पहले तो एक बात को मेरी अच्छे से समझ लो कि जो आने वाले दस साल है उसमें कुछ ऐसा होने वाला है जो पिछले सौ सालों में नहीं हुआ है और जहां तक आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर आपके रिलेटिव्स हैं या आप खुद हो जहां तक नहीं देख पा रहे हो ए की दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है विच इज बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन डेली कुछ नया हो रहा है और इतनी तेजी से हो रहा है इतनी तेजी से हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है आने वाले टाइम में बहुत सारी जॉब्स जो आज की डेट में है वो फ्यूचर में नहीं रहेगी इस बात को समझ लो अगर समझ सकते हो तो अब मैं बताता हूं मैं फ्यूचर को किस तरीके से देख रहा हूं या फिर अगर मैं आप लोगों की जगह हूं तो मैं क्या करूंगा नंबर वन मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये जो टाइम है ना आप लोगों का ये सबसे प्रेशियस है पूरी लाइफ में अभी आपका दिमाग खुला हुआ है आप कुछ भी नया बड़ी जल्दी सीख सकते हो जैसे से एज बढ़ेगी आपके लिए कुछ भी नया सीखना या नया सीखना तो बहुत दूर की बात है नए आइडियाज को एंटरटेन करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही तो जाकर के अपने पेरेंट्स को देख लो उनसे जाकर के किसी भी नई चीज के बारे में बात करो वो एकदम से घबरा जाएंगे

जो मीडियोक्रिटी है उसके लिए जगह नहीं बचने वाली है कॉपोरेट वर्ल्ड में तो बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाली है कौन होंगे वो लोग जो मीडियोकर हैं इन द सेंस कि वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं टाइम के साथ साथ में कि पांच दस साल पहले बस कॉलेज से एक डिग्री ले ली है अब जॉब लग गई है अब वो कहते हैं लाइफ सेट है ये जिनकी लाइफ सेट है ना उनकी लाइफ ऐसी हिलने वाली है कि उन्हें खुद भी नहीं समझ आएगा कि हुआ क्या है कितने मेरी इस बात को मानते हैं कि अगर आप अपने काम के लिए जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए चैट जी सिर्फ एक टूल नहीं है ऐसे और भी बहुत सारे टूल्स हैं अगर उन टूल्स को आप यूज करते हैं तो अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बहुत बढ़ा सकते हैं तो जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो दस गुना से तो दस लोगों का काम एक इंसान कर सकता है तो अगर मेरी एक आई कंपनी है और वहां पर एक लाख लोग काम करते हैं और वो काम दस हजार लोग कर सकते हैं तो मैं बाकी नब्बे हजार का क्या करूंगा निकाल दूंगा तो नब्बे हजार लोगों का क्या होगा या तो अपनी स्किल्स को उनको अपग्रेड करना पड़ेगा या अपनी लाइन को चेंज करना पड़ेगा मैं कह रहा हूं देखो मेरी इस बात को ना गांठ बांध लो आने वाले टाइम में मीडियो नहीं चलने वाली है मशीन्स का जमाना आने वाला है और जिसको मशीन्स को यूज करना आता होगा उसका जो आउटपुट है वो और लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा और वो इंसान कंपनीज के लिए कॉपरेट्स के लिए बहुत वैल्यूएबल होगा अगर आप जॉब करते हैं तो अगर बिजनेस करते हैं तब भी अगर आपको मशीन्स को यूज करना आता है तो आपके पास में एक एज होगा इन कंपेरिजन टू कॉम्पिटिटर्स तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते इससे भाग नहीं सकते ये तो सीखना ही पड़ेगा तो अगर मैं आपकी जगह आऊंगा तो मैं क्या करूंगा अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा नंबर वन नंबर टू अपने टाइम को कहां यूटिलाइज करूंगा जो भी कुछ नया हो रहा है ए की दुनिया में वो सब कुछ सीखने के लिए वहां पर अपने आप को बिल्कुल अपडेटेड रखूंगा डेली कुछ नया आ रहा है नए नए अपडेट्स आ रहे हैं एग्जिस्टिंग जो ए आई एप्लीकेशन है उनमें और डेली नई नई एप्स आ रही हैं तो यू नीड टू बी अपडेटेड आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है कुछ भी नया डिसरप्शन आ रहा है मार्केट के अंदर आप फटाफट से उसको सीख जाओ और फटाफट से अपने आप को अडेप्ट कर लो उसके अकॉर्डिंग जरूरत पड़े तो जब इंडस्ट्री पूरी की पूरी चेंज होगी तो आप अपने आप को बदल दो अगर ये कर सकते हो यानी कि अगर आप इन टूल्स को यूज करना जानते हो तो आप सर्वाइव करोगे फ्यूचर में अगर नहीं जानते हो तो दिक्कत आने वाली है तो अपनी जो स्पीड है सीखने की कि इस दुनिया में क्या क्या नया हो रहा है दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है वो सीखो टाइम वेस्ट मत करो फालतू का कंटेंट देखने में इधर उधर टाइम पास करने में आप में से कोई ऐसा है जो ये बता सके टॉप टेन ए टूल्स के नाम कोई है जो बता सकता है यू हैव नो आइडिया नो क्लू तो ये आइदर और के चक्कर से बाहर निकल आओ कि सर हम पढ़ाई करें या बिजनेस करें दोनों करना पड़ेगा पढ़ाई इसलिए करनी पड़ेगी ताकि एक बेसिक क्वालिफिकेशन हो तो आपके पास में एज आ जाएगा कल को जॉब मार्केट में जाओगे तो एटलीस्ट कुछ तो हो दिखाने के लिए अगर आपको जॉब ही करनी है तो लेकिन साथ साथ में बिजनेस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस का मतलब क्या होता है कुछ क्रिएट करना तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है यानी पैसा नहीं है रिसोर्सेज नहीं है कुछ नहीं है और आपको बोल दिया जाए सर्वाइव करो क्या कर सकते हो सर्वाइव अगर कर सकते हो तो कह सकते हैं कि हाँ अब आप अंदर से एक ऑन्टरप्रनियर हो अब चाहे जॉब करो चाहे बिजनेस करो उससे फर्क नहीं पड़ता है आप एक क्रिएटर हो एंड मैन आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिएटर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिएटर्स आई एम हु कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम और मेक लाइफ बेटर ऑफ अदर पीपल इन सम वे जिसके लिए वो लोग पैसा देने को तैयार हो जाए उसको एक क्रिएटर बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी आपकी एज में हूं यानी मेरी एज है मान लो 18 साल अब मेरे आगे एक चैलेंज है मैं क्या करूं जॉब की भी तैयारी करनी है तो क्या उसको छोड़ दू अब वो मेरी अपनी कॉल है कि मैं छोड़ूंगा या करूंगा बट मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा छोड़ने के लिए नंबर वन बट एक बात पक्की है कि मैं साथ साथ में कुछ ना कुछ तो और करूंगा ऐसा नहीं कि पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो गया जो एजुकेशन की पूरी की पूरी जो डेफिनेशन है वो चेंज होने वाली आने वाले टाइम में एजुकेशन मतलब क्या कि कुछ आपने सीख लिया है अपने माइंड के अंदर भर दिया है और कुछ कर रहे हो आने वाले टाइम में वो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो सकता है तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कौन वो लोग होंगे जो बचेंगे आने वाले टाइम में और कौन वो लोग हैं जो नहीं बचेंगे इफ यू कैन कनेक्ट दी डॉट्स यानी अलग अलग चीजों को देख करके आप किसी तरीके से कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो जहां से आप पैसा कमा सकते हो और सर्वाइव कर सकते हो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंटली अपने बेस पर तो फ्यूचर आपके लिए है लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं तो सिर्फ इस डिग्री के बेस पर सर्वाइव कर सकता हूं तो आने वाले टाइम में उस डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं रह जाएगी इस स्किल की वैल्यू होगी जिसकी मैं बात कर रहा हूं यानी कि कुछ अलग अलग हो उसको जोड़ दिया जाए और कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जाए कि जहां से पैसा कमाया जा सके फॉर एग्जाम्पल आज हर दूसरा इंसान यूट्यूबर बनने के बारे में सोच रहा है तो यूट्यूब में जो सबसे हाई पेइंग जो सेक्टर है वो है बी सेक्टर यानी बैंकिंग फाइनेंस सिक्योरिटीज एंड इंश्योरेंस तो मैं क्या करूंगा मैं ऐसे टूल्स ढूंढूंगा जहां पर मैं ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर कुछ वीडियोस बना सकूं और पहले मैं YouTube पे जा करके देखूंगा कि कौन सी ऐसी वीडियोस हैं जिसके ऊपर बहुत व्यूज आ रहे हैं या जिसकी सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है Google पे और YouTube पे क्योंकि अगर Google पे ज्यादा है तो इज अ पॉसिबिलिटी कि YouTube पे भी ज्यादा होगी अब मेरी इस थॉट प्रोसेस को समझना आइडिया को मत पकड़ना गड़बड़ हो जाएगी आइडिया को पकड़ोगे फिर वही बंद दिमाग की तरह कॉपी करने लग जाओगे लेकिन अगर थॉट प्रोसेस को समझोगे तो कुछ भी कर जाओगे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दू एक वेबसाइट है बाय द नेम ऑफ पिक्टोरी डॉट ए आई जहां पर आप टेक्स्ट इनपुट करोगे और वो उसको वीडियोस में कन्वर्ट कर देगा कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ये काम करने में यूजुअली दो से चार दिन लगते हैं तो क्या यहां से आपके दिमाग में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है अगर आ रहा है तो कह सकते हैं कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो आप एक क्रिएटर हो आप क्रिएटिव हो तो एक दिन में कितनी वीडियोज बन सकती है बहुत सारी लेकिन वीडियोज बनाने से पहले मुझे यह समझना होगा कौन सी वीडियोज ऐसी हैं जिसके वायरल होने के चांसेस हैं तो पहले मैं ये स्टडी करूंगा लोग सर्च क्या कर रहे हैं गूगल पे और यूट्यूब पे फिर वो स्टडी करके फॉर एग्जाम्पल ए पीपल आर सर्चिंग फॉर वॉट इज अ म्यूचुअल फंड तो क्या हो अगर इस तरह की मैं वीडियो जनरेट करू थ्रू एआई अब मुझे उसके लिए कॉन्टेंट चाहिएगा कॉन्टेंट राइटिंग स्किल्स मेरी इतनी अच्छी नहीं है मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है मान लो मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूं मैं क्या करूंगा चैट जीपीटी पे जा करके लिख दूंगा व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड तो चैट जीपीटी पूरा का पूरा मेरे को टेक्स्ट दे देगा उस टेक्स को मैं रन करूंगा पायरेसी के लिए कि कहीं किसी तरीके से किसी के राइट्स वॉयलेट तो नहीं हो रहे ऐसी भी कुछ वेबसाइट्स हैं तो जब मैंने चेक कर लिया और मुझे ये श्योरिटी आ गई कि, किसी के राइट्स वॉयलेट नहीं हो रहे हैं उस टेक्स को ले जा करके मैं एंटर करूंगा पिक्टोरी में वो एक पूरी की पूरी वीडियो जनरेट कर देगा कुछ सेकेंड्स के अंदर जिसको मैं यूट्यूब पर अपलोड कर सकता हूं लेकिन यूट्यूब अब क्या कर रहा है वो भी मैंने पढ़ा कि वो जो ए आई वॉइस जैसे ही यूट्यूब पकड़ लेता है कि इसमें ए की वॉइस है तो YouTube का एल्गोरिथम उसको या तो ब्लॉक कर देता है या इतना तेजी से प्रमोट नहीं करता है तो मुझे इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा यूट्यूब म्यूजिक लाइब्रेरी में जाकर के जो यूट्यूब का फ्री म्यूजिक है वो निकाल करके उसके बैकग्राउंड में उसको लगा दूंगा तो मैंने क्या किया अलग अलग जगह से अलग अलग टूल्स को यूज करके कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जो बहुत ही कमाल का है और जिसकी मार्केट में नीड है अब अगर मैं खुद बैठ करके वीडियोस बनाऊं तो पहले तो मुझे वो स्किल्स एक्वायर करने में कई महीने लगेंगे कई साल लगेंगे उसके बाद एक एक वीडियो को बना के डालने में दो चार दिन पांच दिन दस दिन लग जाएंगे अब यहां पर एक दिन में मैं दस वीडियोस जनरेट कर सकता हूं यानी यूट्यूब पर मैं दस अलग अलग चैनल्स ओपन कर सकता हूं और अगर मैं कंसिस्टेंटली इस काम को पार्ट टाइम बेसिस पे करता हूं अगले एक साल तक ये नहीं कि दो चार पांच दिन किया दस दिन किया रिजल्ट नहीं आया तो उसको छोड़ दिया पढ़ाई लिखाई में ऐसे करते हो क्या कि कहीं गए किसी कॉलेज में दो चार दिन को समझ नहीं आया बेकार है छोड़ दो ऐसे नहीं करते ना चार साल पता है ना कि वहां पर लगाना है तो इस काम में भी टाइम लगाना पड़ेगा तो एक साल तक अगर मैं डेली एक एक वीडियो अपलोड करता हूं अपने दस चैनल्स पे तो एक साल में मैंने कितनी अपलोड कर दी तीन हजार यानी कि पचास वीडियो उसको करने में टाइम कितना लगा मैक्सिमम एक से दो घंटा डेली इतना तो आप टाइम कहां खराब करते तो आपको खुद भी पता नहीं होगा बट इस पूरी प्रोसेस में क्या होगा या तो सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी मिल गई तो बहुत बढ़िया है तो ज्यादा खुश नहीं होना है एक्साइटेड नहीं होना है कि अब मैं महीने का पचास हजार कमा रहा हूँ लाख रुपए कमा रहा हूँ क्योंकि ये भी हो सकता है कल को यूट्यूब एक नई पॉलिसी ले आए और कहे कि ये जो एआई जनरेटेड वीडियो हैं इसको हम डीमोनेटाइज कर देंगे तो कहां गया आपका वो लाख रुपए महीना गायब हो गया ना तो एक्साइटेड नहीं होना उस पैसे को जोड़ना है और उसको यूज करना है और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करने के लिए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है तो बेस्ट के सिनेरियो क्या होगा कि यहां से पैसा आएगा तो उस पैसे को उड़ाना नहीं है एक्साइटेड नहीं होना है घर वालों को ये नहीं बोलना है कि अब मैं लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं मेरे को अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है पैर जमीन पर रखने हैं उस पैसे को जोड़ना है और दिमाग लगाना है कि उसमें रिस्क क्या है कल को अगर ऐसा होता है तो क्या करोगे वैसा होता है तो क्या करोगे वो होता है तो क्या करोगे फॉर एग्जाम्पल अगर YouTube का एल्गोरिथम पकड़ लेता है ए आई जनरेटेड साउंड को तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि वीडियो वहां से बना ली कॉन्टेंट चैट जीपीटी से मिल गया पायरेसी चेक कहीं और से हो गया कौन सी वीडियोस बनानी चाहिए कैसी नहीं वो आपने और जो सॉफ्टवेयर है वहां से पता कर लिया सर्च वॉल्यूम किसका है किसका नहीं है प्लस साउंड के लिए आपने क्या किया दस मिनट का एक ऑडियो सैंपल अपलोड करना होगा एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में वो सीख जाएगा कि आपकी साउंड क्या है तो अगर आपने ये कर लिया तो अब वो आपकी साउंड है म्यूजिक यूट्यूब का है कंटेंट रॉयल्टी फ्री है अब इन वीडियोस को कोई चैलेंज नहीं कर सकता अगर इस तरह से सोच पा रहे हो तो फ्यूचर में आपके लिए जगह है इसको एक्चुअल में स्किल्स बोलते हैं कि आपने कुछ ऐसी स्किल्स एक्वायर कर ली जो वैल्यूएबल है हो सकता है आज इमीडिएटली नहीं है लेकिन फ्यूचर में आप कहीं जाओ और वो आपसे पूछें कि अच्छा आप में से कौन है जिसको ये काम आता है आप कहोगे मुझे आता है मुझे ये भी आता है मुझे वो भी आता है मतलब आने वाले टाइम में वो लोग सर्वाइव करेंगे दुनिया में जो कुछ भी कर सकते हैं जो सिर्फ एक काम कर सकता है वो पास्ट में रेलेवेंट थे फ्यूचर में नहीं होंगे क्योंकि वो एक काम आज नहीं तो कल मशीन कर लेगी फिर आप क्या करोगे लेकिन वो इंसान जो कुछ भी कर सकता है उसकी वैल्यू क्या होगी आई होप आज के सेशन से आपको कुछ बेनिफिट हुआ है कुछ नया समझ में आया है कुछ नया सीखा है विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू एंड प्लेजर टू ऑल ऑफ थैंक यू सो मच